मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए बीजेपी ने एक समन्वय समिति का गठन किया है। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वीडी शर्मा ने समन्वय समिति बनाकर हर जिले के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी चुनाव के लिए कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुभाष भगत सहित मंत्रियों, विधायकों की भी बैठक बुलाई गई, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हालांकि ये चुनाव दलगत नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव जीतकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार की जन हितैषी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ग्रामीण निकाय को लेकर एक ग्रामीण निकाय चुनाव की जो संचालन समिति बनी है, उस टोली की अभी बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में खास तौर पर ये जो चुनाव है ग्रामीण निकाय के, इन चुनावों में सिंबॉलिक आधार पर तो होते नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। इन चुनावों में ऐसे लोग चुनकर के आए जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और हमारे सभी वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस नाते से कि सबका प्रतिनिधित्व और ऐसे लोग चुनकर के आए जो अपने गांव के विकास के लिए संकल्पित तो प्रतिबद्धित होकर के काम करने वाले कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत नीचे तक बूथ बूथ पर काम करने वाला दल है, तो इस दिशा में हमारे अच्छे कार्यकर्ता चुनाव में आए और भारतीय जनता पार्टी उनको ताकत दे और ताकत देकर के वो चुनाव में जीत करके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो इस निमित्त हमारी आज की जो ग्रामीण निकाय के चुनाव की संचालन समिति है, उसकी बैठक अभी संपन्न हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में आज भी जिन बातों की जरूरत है, जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदारी के नाते से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और अच्छे लोग चुनाव में जीत करके आए, ये प्रयास करेगी। इसलिए हमने इसकी एक संचालन समिति जो बनाई है, मैं आपके सामने उस संचालन समिति का भी उल्लेख कर देता हूं कि इस संचालन समिति जो हमारी बनी है ग्रामीण निकाय के चुनाव की, मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी इसकी संयोजक होंगी, साथ में ही जो इस संचालन समिति के सदस्य होंगे, हमारे महामंत्री रणवीर रावत जी, महामंत्री हरिशंकर खटीक जी, महामंत्री सरदेन्दु तिवारी जी, मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, कांति देव सिंह जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उनसे मीडिया के लोगों ने पूछना चाहिए कि इस पर आपका क्या कहना है। जब मीडिया के मित्रों ने, जब मध्य प्रदेश के बड़नगर के विधायक के पुत्र के बारे में जब पूछा था, मुरली मोरवाल के बारे में उनसे पूछा था, तब भी वो छोड़कर के भाग गई थी। तो ये कांग्रेस एक बार जो दोहरा चरित्र अपनाने का काम करती है, एक बार कहती है कि महिलाओं को ये सब करेंगे वो सब करेंगे और इस प्रकार के उनका दृष्टिकोण है, तो कांग्रेस का तो ये चरित्र ही है। ग्रामीण निकाय के चुनाव की मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी इसकी संयोजक होंगी, साथ में ही जो इस संचालन समिति के सदस्य होंगे, हमारे महामंत्री रणवीर रावत जी, महामंत्री हरिशंकर खटीक जी,
महामंत्री सरदेन्दु तिवारी जी, मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, कांति देव सिंह जी, जीतू जिराती जी, महेंद्र सिसोदिया जी, कमल पटेल जी, अरविंद भदौरिया जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, राम खिलावन पटेल जी, बंसीलाल गुर्जर जी, आशीष दुबे जी, श्रीमती ललिता यादव जी, उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे सांसद हैं, श्रीमती संपति अहुईके जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, रामपाल सिंह जी, राजेंद्र शुक्ला जी, जालम सिंह पटेल जी, संजय पाठक जी, पारस जैन जी, यशपाल सिसोदिया जी, रामेश्वर शर्मा जी, विजयपाल सिंह जी, नागर सिंह चौहान जी, पर्वतलाल अहिरवार हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, दर्शन सिंह चौधरी जी, तोरण सिंह दांगी जी, श्रीमती मालती मोहन पटेल जी, हमीर पटेल जी, मिथिलेश प्यासी जी और नरेंद्र सिंह राजपूत जी, भगवान दास सबनानी जी जो हेडक्वार्टर इंचार्ज है वो भी समिति के सदस्य रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो एक कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से मैंने पहले ही कहा कि ये जो चुनाव है ये दलगत आधार पर नहीं है, सिंबॉलिक उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन हमारा प्रयास है एक अच्छा समन्वय कोऑर्डिनेशन के माध्यम से अच्छे लोग चुनाव में जीत करके आए और इफेक्टिवली वो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके, ऐसे लोगों को अवसर मिले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस ग्रामीण निकाय के चुनाव में करेगा, जिससे मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन बदलने का काम कर रहे हैं उनको और इफेक्टिवली नीचे तक कैसे ले जाएं, इस चुनाव के माध्यम से जो लोग जीत करके आएंगे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसमें अच्छे लोग चुनाव जीत करके आए, हमारा प्रयास हो। मध्य प्रदेश ने जो भूमिका निभाई है मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर ऐतिहासिक तौर पर जो वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर ये सराहनीय। मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी, स्वास्थ्य स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़े पैमाने पर देश के अंदर वैक्सीनेशन सर्वाधिक मात्रा में करा करके इतिहास बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसे लोग जो मैंने पहले ही कहा कि ऐसे लोग चुनाव जीत करके आए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनमत के आधार पर इस प्रकार के लोगों को लोग चुने जो अपने पंचायत के लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध तो होकर के काम करें। ये सही हुआ, ये जो ऐसे ये हुआ है कि नहीं हुआ है ये मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ऐसा न कहीं होना चाहिए न इस प्रकार का कहीं होगा। मैं तो ऐसा मानता हूं जनता बहुत जागरूक है, जनता अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चुनती है जो उनके लिए प्रतिबद्ध होकर के काम करे और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में नहीं अधिकांश स्थानों पर ये जो पंचायती राज व्यवस्था में जो व्यवस्था है उसमें अच्छे लोग चुन करके आएंगे। जो लोग चुनाव से डर करके भागते हैं क्योंकि जनमत नहीं होता, जनमत का समर्थन नहीं है, अप्रासंगिक हो गए हैं, तो वो केवल एक ही काम कर रहे हैं, या तो लोकायुक्त के पास जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। माननीय न्यायालय के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप चुनाव में भाग रहे हैं, भाग चुनाव से भाग रहे हैं, तो ये तो उनकी हार के डर का कारण है कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार के तंत्र का उपयोग करना चाहते हैं, जो माननीय न्यायालय ने भी कह दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल कहा कि आप जाइए आप वहां पर अपनी बात कहिए। तो मुझे लगता है कि न्यायालय के पास जाना गलत नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, सबको अधिकार है। न्यायालय का जो लगेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, वो जो आदेश करेंगे वो तो परिपालन करना सबका जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसके पीछे कांग्रेस चुनाव को डालना इसलिए चाहती है क्योंकि वो अप्रासंगिक हो गई है। सर एक सवाल है। बहरहाल अब तक मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, अभी पंचायत चुनाव हो रहा है या नहीं इस कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ कह पाएंगे।